नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट इन इनकम टैक्स, दैट इज ITRU, अपडेटेड रिटर्न। एक नया कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के अंदर लाया गया है, एक नई इनकम टैक्स रिटर्न आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज ITRU, जिसे आप कहेंगे अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न क्या है, क्यों यह नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, अपडेटेड रिटर्न प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगी, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग जो नया इनकम टैक्स फॉर्म रिलीज किया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे उस इनकम टैक्स फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स आपसे मांगी गई है, कौन लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये सभी बातें आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, कॉर्पोरेट लॉज, तो इन सब के लिए आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत सारी डेमो वीडियोस जो है इन कोर्सेज के तहत आपको प्रोवाइड की गई है, जिनको आप देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति जनरली जो इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं ITR, तो किसी भी साल के लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है। हम एग्जाम्पल के लिए यहां पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 21 22 की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 22, जिसको कि इनकम टैक्स के तहत असेसमेंट ईयर 22 23 जो है आप बेसिकली कह सकते हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं वो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2022, अगर आप क्या है नॉन ऑडिटेबल एसएससी है। दैट मींस आपके केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ITR फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2022 तक। और अगर आपके केस में ऑडिट रिक्वायर्ड है तो ऐसे में 31 अक्टूबर 2022 जो है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो है लास्ट डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब एक बात आती है, मान लीजिए इन ड्यू डेट्स तक अगर कोई एसएससी, अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो ऐसे में एक और टाइम लिमिट बताई गई, जो बताई गई जिन्हें आप कह सकते हैं लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ITR। तो वो जो डेट है वो डेट यहां पर बताई गई है 31 दिसंबर 2022। दैट मींस 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 22 23, आफ्टर दैट आप जो है ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग बात है, बहुत बार गवर्नमेंट जो होती है वो डेट एक्सटेंड कर देती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं की है तो 31 दिसंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट होगी। इनकम टैक्स लॉ के तहत कहा गया है 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो हमारा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है 2022 23, एंड होता है जो कि 31 मार्च 2023 को, इससे 3 महीने पहले दैट इज 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट होगी रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो ये तो है आपकी ड्यू डेट्स, इन डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस पे नहीं करनी होगी,
लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा प्लस लेट फीस भी पे करनी होगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएंगे। इवन आप इंटरेस्ट या लेट फीस पे करना चाहे तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे आफ्टर द 31st of December। तो अब उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होने लगी जिन लोगों ने या तो रिटर्न फाइल नहीं की या फिर जिन लोगों ने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन उनसे कोई गलती हो गई। तो यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है, आप इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दैट मींस अगर आप रिटर्न के अंदर कोई गलती कर देते हैं तो आप उन रिटर्न को रिवाइज कर अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, रिटर्न रिवाइज करने की भी लास्ट डेट है 31st of December 2022। तो अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की या फिर आपने रिटर्न फाइल कर दी लेकिन उसके अंदर कोई गलती कर दी जो आपको 31 दिसंबर के बाद पता चलती है तो आप उन गलतियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ऐसे में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आपकी इनकम को एसेस कर सकता है, वो आपकी इनकम की असेसमेंट करेगा और आपकी इनकम डिटरमाइन करेगा, उस इनकम पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, साथ में इंटरेस्ट की कैलकुलेट जो लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करेगा, साथ ही पेनल्टी भी लेवी करेगा। तो इन सभी हार्डशिप्स को देखते हुए कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए या फिर जिन्होंने रिटर्न फाइल की लेकिन जो है वो अपनी गलती ठीक नहीं कर पाए क्योंकि रिवाइज करने की जो डेट है वो जा चुकी है, तो उन लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो उन लोगों के लिए लाया गया है जिन्होंने या तो रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन वो रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पा रहे। हालांकि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की भी एक टाइम लिमिट बताई गई है कि किस टाइम लिमिट तक आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, और बहुत सारी कंडीशंस इस अपडेटेड रिटर्न के अंदर लगाई गई है। तो उन कंडीशंस के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो हम फिर कभी जो है अपलोड करेंगे। आज की डेट में हम बात करते हैं कि इस अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा क्या नोटिफिकेशन इशू की गई। यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू की गई है 29th of December 2022 को, और इस नोटिफिकेशन के जरिए बेसिकली बताया गया है कि जो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम होगी इसके लिए आपको फॉर्म ITR U फाइल करना है। द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 39 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन 1st day of April 2020 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर शेल बी इन द फॉर्म ITR U एंड बी वेरीफाइड इन द मैनर इंडिकेटेड देयर। तो 1 अप्रैल 2020 से जो भी असेसमेंट ईयर स्टार्ट होंगे तो आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ITR U के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और असेसमेंट ईयर 2022-23 के रिगार्डिंग अभी जो आपकी ड्यू डेट है वो अभी ड्यू डेट पेंडिंग है, तो दैट मींस उसके लिए आपको ITR U फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप जो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न्स होती है वो आप फाइल करेंगे। तो ITR U बेसिकली जो लोग असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021-22 इन दोनों में से किसी की भी रिटर्न फाइल नहीं कर सके किसी भी रीजन की वजह से, या फिर रिटर्न फाइल कर चुके हैं उनको रिवाइज करना चाहते हैं और अब रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिट जो है रिवाइज करने की जा चुकी है, तो ऐसे में वो लोग ITR U की हेल्प ले सकते हैं और ITR U के जरिए अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। अब बताया गया कि जो ITR जो फाइल करेंगे ITR U, तो ऐसे में कहा गया कि जो भी ऑडिटेबल केसेस होंगे वो डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ही जो है ITR U फाइल कर पाएंगे, और जो नॉन ऑडिटेबल केसेस होंगे वो जो है डिजिटल सिग्नेचर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दैट इज EVC के जरिए भी अपनी ITR U फाइल कर सकते हैं।
यहाँ पर कहा गया इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इन हूज केस अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। तो सेक्शन 44AB के तहत अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो विद डिजिटल सिग्नेचर ITRU फाइल करना होगा, और इन केस ऑफ ए कंपनी और ए पॉलिटिकल पार्टी टू फर्निश ए रिटर्न इन ITR 7, तो इन केसेस में भी डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड रहेगा। इनके अलावा जहां पर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर एज वेल एज EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही यहाँ पर ITRU का जो फॉर्म है वो बेसिकली इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो रिलीज किया गया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न जिसे कहा गया ITRU फॉर पर्सन टू अपडेट इनकम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको कहा था कि ITRU फाइल करने की भी एक टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ITRU फाइल कर सकते हैं। जो भी आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है जिसके लिए आप इनकम अपडेट करना चाहते हैं, उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 24 मंथ्स तक का जो पीरियड है वो आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है वो है 31 मार्च 2021, तो इससे आपको प्लस 24 मंथ्स तक का जो है वो आपको समय दिया गया है, दैट इज 31 मार्च ऑफ 2023। और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 24 मंथ्स का, दैट इज 31 मार्च 2024। तो इस पीरियड तक ही आप इन असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग ITRU फाइल कर सकते हैं और आप अपनी इनकम को अपडेट कर सकते हैं। यह जो ITRU है इसको गवर्न करता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, जिसके तहत बहुत सारी कंडीशंस दी गई है किन किन केसेस में आप ITRU फाइल कर सकते हैं, किन किन केसेस में आप ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस मैंने अगेन आपको बताया है कि वो अलग वीडियो में बहुत डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ITRU के अंदर बेसिकली जो जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी उसके तहत आपसे पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार नंबर, ये जो है बेसिकली आपका रहेगा। असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी इनकम अपडेट करना चाहते हैं, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दैट असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी इनकम अपडेट करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि क्या आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए पहले कोई रिटर्न फाइल की है या नहीं। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल की है तो उस रिटर्न की डिटेल आपको देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो रिटर्न आपने कब फाइल की थी, उस रिटर्न का एक्नोलेजमेंट नंबर क्या था, वो रिटर्न किस सेक्शन के तहत फाइल की गई थी। और अगर आपने वो रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप सिंपली नो जो है सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। तो अगर आप इसको यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि वो रिटर्न आपने किस सेक्शन के तहत फाइल की। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 है जिसमें रिवाइज रिटर्न है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 है जिसमें रिटर्न ऑफ लॉस है। तो बेसिकली जिस भी सेक्शन के तहत आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी या उसको रिवाइज किया था वो जो है आपको सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इफ एप्लीकेबल एंटर फॉर्म फाइल्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसिप्ट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो अगर आपने फाइल की हुई है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR फॉर्म और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR रिटर्न, ये सभी आपको बतानी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशंस लेड डाउन इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 18 सबसेक्शन 8A। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A जो है वो अपडेटेड रिटर्न की बात करता है और उसमें बहुत सारी कंडीशंस दी गई है कि किन-किन कंडीशंस में आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप एलिजिबल हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए या फिर नहीं। After that, please choose the ITR form for updated your return, ITR 1 to 7 to be selected from drop down and filled as per the details made available by e-filing utility. तो अगेन अब आपको अपडेटेड रिटर्न के अंदर क्या सेलेक्ट करना होगा कि आप जो अपनी इनकम अपडेट करना चाहते हैं
वो किस आईटीआर फॉर्म के जरिए अपडेट करना चाहते हैं। जो आप नॉर्मल प्रोसीजर में आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम, ऐसे ही अब आपको क्या करना होगा, अपडेटेड रिटर्न के अंदर भी आपको बताना होगा कौन से आईटीआर फॉर्म के जरिए आप अपनी इनकम अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दी जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 के जो लिस्ट है उसमें से आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो जो है बेसिकली अपडेटेड रिटर्न के लिए यूज करना है। उसके बाद रीजन आपको बताना है कि आप अपनी इनकम क्यों अपडेट करना चाहते हैं, आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की है या फिर आपने अपनी इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं की है या आपने कोई गलत हेड के अंदर अपनी इनकम रिपोर्ट कर दी है या फिर आप अपने लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो आपका मैट क्रेडिट है उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर आपने कोई रॉन्ग टैक्स अप्लाई कर दिया है, अदर्स या फिर और कोई रीजन है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि आप किस रीजन की वजह से वो जो रिटर्न है आप अपडेट करना चाहते हैं। फिर अगेन आपको ये भी बताना है आप यह जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं यह विद इन 12 मंथ्स कर रहे हैं या फिर 12 मंथ से 24 मंथ्स के तहत जो है वो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था 24 मंथ्स तक आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगेन यहां पर आपको दो कैटेगरीज दी गई, अप टू 12 मंथ्स और बियॉन्ड 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स। आर यू फाइलिंग दी अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, between 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year? Are you filing the updated return to reduce carry forward loss or unabsorbed depreciation? तो अगर आप loss कम कर रहे हैं updated return के जरिए या अपना depreciation कम कर रहे हैं तो वो आपको बताना है। अगर आप इसको yes करते हैं तो फिर आपको ये भी बताना है कि अगर आपका जो loss कम होता है या depreciation कम होता है तो उसकी वजह से आपके जो आगे वाले जो assessment year है क्या उन पर भी कोई effect होगा या नहीं होगा। तो इफ यस प्लीज स्पेसिफाई द असेसमेंट ईयर वेयर कैरिड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ दिस अपडेटेड रिटर्न। क्यों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर 100 रुपीज का लॉस था और उसके बाद आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर इसमें से 60 रुपीज का जो लॉस है वो एडजस्ट कर लिया और आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, इस 100 रुपीज के लॉस को अपडेटेड रिटर्न के जरिए 20 रुपीज तक रिड्यूस कर देते हैं। दैट मींस अब आपका लॉस रह जाता है 20 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने जो 60 रुपीज का लॉस एडजस्ट किया वो गलत किया। तो इसके लिए डिपार्टमेंट आपसे पूछना चाहता है कि ऐसा तो नहीं है, एक तरफ तो आपने लॉस को रिड्यूस कर दिया और दूसरी तरफ आप अगले असेसमेंट ईयर के अंदर उस लॉस को एडजस्ट कर चुके हो, ये भी आपको बताना है। Whether revised return has been filed for the assessment year, whether updated return has been filed for the assessment year. तो अगर आपने जिस year के लिए loss को reduce किया है, क्या उसके लिए आपने कोई revised return file की है, या कोई updated return already आप file कर चुके हैं? एक बात का आपको ध्यान रखना है, updated return का option एक ही बार आप use कर सकते हैं किसी भी assessment year के लिए। For example, assessment year 2021 के लिए अगर मैंने updated return file कर दी है, तो again मैं फिर से एक और अपडेटेड रिटर्न इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल नहीं कर सकता। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपका अगेन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के रिगार्डिंग है, जिसमें आपकी 5 हेड्स के तहत आपकी इनकम जो है वो कंप्यूट की जाएगी। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज, और उसके बाद आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी अगेन वो डिटरमाइन की जाएगी। ऑलरेडी जो आप पे कर चुके हैं या फिर कोई TDS डिडक्ट हुआ है वो आपका एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई रिफंड क्लेम कर चुके हैं तो वो अगेन कंसीडर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइन की जाएगी। उसके बाद आपको इस टैक्स की जो पेमेंट है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है थ्रू जो है चालान, जिस भी चालान के जरिए आपने वो पेमेंट्स की है। तो ये बेसिकली ITR U का जो कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ITR U का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, ITR U के कॉन्सेप्ट से किसको बेनिफिट होगा। तो अगेन जो भी गलती आपने की है या फिर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए आप अपनी वो गलतियां सुधार सकते हैं। लेकिन अगेन आपको याद रखना है अपडेटेड रिटर्न के लिए भी एक टाइम लिमिट है,
ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 24 मंथ्स तक ही जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आई होप यह इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अगेन हम एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन लोग जो है ITRU को फाइल कर सकते हैं और कौन लोग ITRU को फाइल नहीं कर सकते। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारी YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।